तारीख 8 अगस्त साल 1963। ब्रिटेन की रॉयल मेल नाम की ट्रेन बीते दिन ग्लासगो से लंदन के लिए रवाना हुई थी। क्योंकि एक मेल ट्रेन थी तो इसमें 72 पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे जो ट्रेन में बैठकर ही मेल को छांटते थे। 7 अगस्त को इस ट्रेन को ग्लासगो से लोड किया गया और ट्रेन लंदन के लिए रवाना हुई। लेकिन इस ट्रेन में एक खास चीज भी थी। ट्रेन के इंजन के ठीक पीछे HVP कोचेस थे, यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच, जिसमें करीब 300 मिलियन पाउंड्स थे, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 300 करोड़ रुपए। दरअसल अमेरिका में सिविल वॉर के बाद से ही ट्रेन में लूटपाट के कई मामले बढ़ने लगे थे और इस ट्रेन में तो थे भी 300 करोड़ रुपए। लेकिन ये एक मेल ट्रेन थी, यानी इसके रुकने के तो कोई आसार थे ही नहीं और इसे सीधे ह्यूस्टन जाकर ही रुकना था, तो ऐसी ट्रेन में इन पैसों तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा था। लेकिन इसी चलती हुई ट्रेन में कुछ लुटेरों ने धावा बोला और 300 करोड़ रुपए उड़ा लिए। दिलचस्प बात ये थी कि ना इन्होंने कोई खून खराबा किया और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल। पर ये मुमकिन कैसे हुआ, इसी दिलचस्प कहानी को बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TVNet डिजिटल। 8 अगस्त को जैसे ही ट्रेन लंदन पहुंचने वाली थी, उससे ठीक पहले ट्रेन के लोको पायलट को एक रेड सिग्नल दिखाई देता है। दरअसल लुटेरों ने बड़ी चालाकी से ट्रेन के ग्रीन सिग्नल को दस्ताने से ढक दिया और बैटरी की मदद से रेड सिग्नल को ऑन कर दिया, और ये सब 8 अगस्त की सुबह 3 बजे हो रहा था। लोको पायलट मिल्स ने जब ट्रेन रोकी तो उसके साथी को ये थोड़ा अटपटा लगा। डेविड विटबी जो दूसरे चालक थे, उसने टेलीफोन से सिग्नल मैन को फोन करने की कोशिश की। उसी दौरान ट्रेन के रुकते ही पहले से तैयार 16 लुटेरे ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक ने इंजन में जाकर ड्राइवर जैक के सर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार कर उन्हें बेहोश कर दिया। जैसे ही डेविड वापस ट्रेन में चढ़ा, उसे भी इन लुटेरों ने पकड़ लिया। सिर्फ एक लोहे की रॉड की बदौलत चलती ट्रेन से नोटों से भरे 128 बक्से चुरा लिए गए। लेकिन अब इतने सारे पैसों को ये लुटेरे उतारते कैसे, इसके लिए भी उन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ था। दरअसल लुटेरों के प्लान के मुताबिक उन्हें ट्रेन को ब्रिडेगो ब्रिज के पास ले जाना था, जहां पर उन्होंने एक ट्रक को लूट कर ये पैसा पहुंचाना था। इस ट्रक पर ही लाद कर वो सारे के सारे 128 बक्से ले जाने वाले थे। लुटेरों में से एक ने रेलवे कर्मचारियों से अच्छी खासी दोस्ती करने और ट्रेनों और गाड़ियों के लेआउट और संचालन से खुद की जान पहचान करने में महीनों लगाए थे। लोको पायलट की मदद से ट्रेन को पुल पर रोका गया और इसके बाद लुटेरों ने एक HVP गाड़ी को लूटा और सभी के सारे बक्से उस गाड़ी में लाद दिए। कर्मचारियों को गाड़ी के कोने में फर्श पर मुंह के बल लेटने के लिए मजबूर किया गया और फिर मिल्स यानी कि जो लोको पायलट थे और विटवी जो उनके सहायक थे, उनको गाड़ी में लाया गया। एक साथ हथकड़ी लगाई गई और कर्मचारियों के बगल में लटा दिया गया। उसी गाड़ी में बैठे बैठे वो लुटेरे रेडियो सुन रहे थे, जहां पुलिस इसी डकैती की जानकारी दे रही थी और ये भी बात बता रही थी कि ये लुटेरे लूटा हुआ सामान लेकर किसी फार्म हाउस में रुकने वाले हैं। दरअसल ये जानकारी उन्हें घटनास्थल पर मौजूद एक गवाह ने दी थी। लुटेरों ने लूट से एक महीने पहले ही इसकी पूरी प्लानिंग शुरू कर दी थी। गार्डन गुडी, बस्टर एडवर्ड और ब्रूस रेनाल्ड पूरी लूट के मास्टरमाइंड थे। ये तीनों रॉबर्स ही थे, यानी कि चोर थे, लेकिन इससे पहले इनके पास ट्रेन में रॉबरी का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के ही 3 और शातिर अपराधियों को अपने गैंग में शामिल किया जो ट्रेन रॉबरी के माहिर थे। इसके अलावा ट्रेन के बारे में जानकारी रखने वाले एक पूर्व ड्राइवर को भी इस डकैती का हिस्सा बनाया गया और इस लूट में कॉर्ड्रे नाम के एक टेक्नीशियन को भी शामिल किया गया। उसका काम सिर्फ एक था कि रेलवे सिग्नल को खराब करना। कुल मिलाकर इस लूट के लिए 16 एक्सपर्ट लोगों का एक गैंग तैयार हुआ, लेकिन ये गैंग उस फार्म हाउस से पुलिस को चकमा देने में सफल हुआ। कई सालों तक पुलिस इनकी छानबीन करती रही, लेकिन सालों बाद पुलिस को इन लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी मिली। गिरोह के सदस्यों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो अपराधी था वो था रोनी बिक्स, जो 1965 में लंदन की जेल से भाग गया था। ब्रूस रोनाल्ड्स ने डकैती का पूरा प्लान बनाया था और परिणाम स्वरूप वो ब्रिटिश इतिहास में सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक बन गया। लेकिन ट्रेन से चोरी हुआ सारा पैसा कभी भी वापस नहीं मिला। ये इतिहास में हुई सबसे बड़ी लूट थी, जिसे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है और इस पर कई सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TVNet डिजिटल पर।